वेलकम एवरीवन टू द चैनल बीएड करिकुलम। इससे पहले हमने टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट पे ही एक्सप्लेनेशन किया था उसका, और उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसकी होल समरी की थी। उसी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। टीचिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, देन सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। आइए सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी हम शिक्षक को यह बताता है कि कौन से लॉज, कौन से प्रिंसिपल्स को, कौन सी फिलॉसफी को उसे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। टीचिंग एक आर्ट है, यह एक कला है, लेकिन जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो इस कला को ईजियर करता है, सरल रूप देता है, प्रिसाइज करता है, स्पष्ट रूप देता है, प्रैक्टिकल फॉर्म देता है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कराता है। देन है कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। इसके कुछ कंटेंट हैं तो उसमें प्लानिंग आता है। प्लानिंग में जो है डिटर्मिनेंट्स को अरेंज किया जाता है, उनके बारे में प्लानिंग की जाती है, जैसे कि टास्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, देन राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके बारे में लिखना। सेकंड होगा इसमें ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे प्रोसीजर को। इसमें टीचर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें टीचिंग के मेथड्स को सेलेक्ट किया जाता है, टेक्निक्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, इफ़ेक्टिव TLM बनाया जाता है। फिर है लीडिंग। लीडिंग में टीचर जो है वो मोटिवेट करता है अपने पीपल्स को कि वह अपने इंटरेस्ट को बिल्डअप कर सकें और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फोर्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस में टीचर ऑब्जर्व करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लीडिंग प्रोसीजर को कि कितने इफ़ेक्टिवली जो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें आएगा टीचिंग टेक्नोलॉजी मेक कैन मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। टीचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, उसको सरल बनाया जाता है, उसको इफेक्टिव बनाया जाता है। यह पीपल टीचर के लिए बहुत लाभकारी होता है और इससे बच्चे की साइकोलॉजी को, उसकी फिलॉसफीज़ को समझा जा सकता है, उसके एनवायरनमेंट को समझा जा सकता है। टीचिंग हमें इनपुट देता है, प्रोसेस देता है और आउटपुट देता है, ये 3 प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। टीचिंग जो होता है वो टीचिंग हमारे मेमोरी लेवल को डिसाइड करता है और हमारी टीचिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब जो लेवल्स होते हैं मेमोरी के उनको मेमोरी लेवल फर्स्ट लेवल से लेकर थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वहाँ तक पूरी प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है कि हमने किसी चीज़ की स्मृति की और उससे हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को अप्लाई करता है। न्यू टीचिंग थ्योरीज कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही न्यू टीचिंग थ्योरीज को बनाया जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है। ये कुछ डिफरेंस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी के बीच में। तो मीनिंग के बेसिस पे आइए इसको देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम। ये डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है और इवेल्युएशन होता है सिस्टम का, टेक्निक्स का और TLMs का। और टीचिंग टेक्नोलॉजी जो होता है वो अप्लाई करता है लॉज को, प्रिंसिपल्स को, साइंस में, फिलॉसफी में और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। नेचर आइए देखते हैं। तो नेचर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, लेकिन जो
टीचिंग टेक्नोलॉजी होता है वो टीचिंग के साइंटिफिक प्रोसेस पे, साइंटिफिक नेचर पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द यूज्ड अंडर द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और टीचिंग टेक्नोलॉजी में इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू सील्स एंड रिचे 1994, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन। यह एक थ्योरी होता है और प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन होता है। ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है एंड इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाता है ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। जो अधिगम के लिए प्रोसेस है या जितने संसाधन हैं उनका जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। The five domain within the definition include design. इस definition में five domains आ रहे हैं, तो उसमें पहला है design, then दूसरा है development, तीसरा है utilization, चौथा है management और पांचवा है evaluation. Instructional technology, the presentation of The pupils are motivated for the learning, but still there is much difference between the these two instructions. This one is this can be done by other persons and methods can a teacher. For example, various types of audio visual aids can guide the student. इसका एक example भी है कि कई तरह के audio visual aids होते हैं जो student को guide करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अजम्पशंस हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के। इसमें है आप प्यूपल कैन लर्न अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड कैपेसिटी। एक जो लर्नर होता है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सीख सकता है। अब पीपल कैन लर्न इवन इन द अब्सेंस ऑफ टीचर। एक टीचर की अब्सेंस में भी इसमें सीखा जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है। री इन्फोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाई यूजिंग इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली। मतलब बच्चे को इसमें उत्साह बढ़ाया जाता है, रीइन्फोर्स किया जाता है उसे कंटिन्यूसली बेसिस पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड थ्रू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। कॉग्निटिव का मतलब हमारी थिंकिंग पावर कितनी है, हम कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या लॉजिक्स हैं, ये सब इसमें आता है। दिस टेक्नोलॉजी कैन मीट द शॉर्टेज ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। इफेक्टिव टीचर्स जब नहीं होते हैं उसकी शॉर्टेज को ये जो टेक्नोलॉजी है वो मेंटेन करता है। दिस टेक्नोलॉजी कैन कंट्रोल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जब होती हैं तो वो यह टेक्नोलॉजी जो है उसे कंट्रोल करती है। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ द लर्निंग इज ऑल्सो यूज इस टेक्नोलॉजी में। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को मैनेज किया जाता है, जिसे पावलो ने दिया था। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होता है द स्टडी एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ द फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग यूजिंग एंड मैनेजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। मतलब कि इसमें जो है क्रिएट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मैनेज किया जाता है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उसके रिसोर्सेज के थ्रू परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं इसमें और लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। फिर है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इसमें द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस एंड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। इसमें ये फाइव डोमेन्स को कवर अप किया जाता है। देन है स्कोप। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो ऑल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी इन
एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन सब में काम करता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होता है वो नैरो फील्ड का होता है, तो इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग इन्हीं को कवर किया जाता है। गोल्स क्या होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी फॉर एवरीवन होता है, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करता है, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी थिंकिंग पावर से रिलेटेड जो होते हैं उन्हें ही रिसीव करता है, उन्हें ही अचीव कराता है। फिर थर्ड है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। इट पुट्स एम्फेसाइजेस ऑन द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग के जो इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है पुटअप करता है ये, सो दैट द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स एंड पीपल्स मे बी मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए जो है टीचर्स के बिहेवियर को बदला जा सकता है या उन्हें जो है दूसरा रूप प्रदान किया जा सकता है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इट कैन बी रिमेम्बर्ड दैट द प्रेजेंट एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो जो टीचर है वो खाली इसके फोल्डिंग का काम करता है, बच्चे के लिए एक बैसाखी का ही काम करता है वह। कम्युनिकेशन ऑफ द कंटेंट एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड द टीचर मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसमें जो बिहेवियर का पीपल का बिहेवियर होता है वो दो तरह से कम्युनिकेशन कर सकता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल चाल की भाषा में इसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, देन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो है बिना बोले या जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं, उनके थ्रू बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या बोल रही है, या हम किसी को जब इशारे से बुलाते हैं, हाथ के थ्रू इशारा कर देते हैं कि खड़े हो जाइए, हाथ के थ्रू इशारा कर देते हैं कि बैठ जाइए, तो ये जो हमारे गेस्चर्स होते हैं उनके थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है अजम्पशंस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। तो यह टीचर्स बिहेवियर इज़ सोशल एंड साइकोलॉजिकल, टीचर का जो बिहेवियर होता है वो सामाजिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। टीचर का बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है, वह हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, मेजरेबल होता है, मॉडिफिएबल होता है, परिवर्तित होता रहता है। टीचर आर नॉट इनबॉर्न ओनली, दे कैन इवन बी प्रोड्यूस, मतलब कि एक शिक्षक पैदा नहीं होता है बल्कि उसको बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो होती है वो साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है, इसमें रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है फोकस करती है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पे। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स वह होते हैं जैसे गति कौशल, हमारा चलना बोलना, जो भी एक्टिविटीज़ हम हाथ पैर से करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। इसके बाद एक कंपैरिजन है जिसमें तीनों डोमेन्स कवर किए गए हैं, तीनों फॉर्म्स कवर किए गए हैं, जैसे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसको एक्सपोनेंट किया था बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को B.F. स्किनर, फ्लैंडर ने किया था, ओबर ने किया था, हैमिडॉन ने किया था। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को लम्सडम ने किया था, ब्रूनर ने किया था, एजुबिल ने किया था, ग्लासर ने किया था। टीचिंग टेक्नोलॉजी को डेविज, हंट, मॉरिशन, हर्बर्ट, इन्होंने किया था। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों डोमेन्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, जो कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं वो हमारे लॉजिक्स, थिंकिंग पावर क्या है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, और जो अफेक्टिव डोमेन्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हम कितना इमोशनल हैं, क्या हमारी फीलिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और साइकोमोटर डोमेन्स जो होते हैं वो हमारे गतिक कौशल होते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, हंसना, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हम फिजिकली कर रहे हैं ये इसमें आएंगे।
तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी खाली कॉग्निटिव डोमेन को कवर अप करता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो होता है वो तीनों ही एस्पेक्ट कवर करते हैं, फिर बेस है, बेस के बेसिस पे बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल नेचर होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक दोनों के बेसिस पे होता है, और फिलोसफिकल जो होते हैं और टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो फिलोसफिकल इन नेचर होता है, क्लासिकल होता है और साइकोलॉजिकल बेसिस पे होता है। देन लेवल्स हैं, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है उसके मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग लेवल खाली होते हैं, और टीचिंग टेक्नोलॉजी में तीनों ही लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीन लेवल्स हैं मेमोरी के। तो पहला होता है मेमोरी लेवल, इसमें हम किसी चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इसमें हम चीज़ को समझ पाते हैं, मेमोरी लेवल में हम फर्स्टली सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हमें तब किस सिर्फ ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग में हम उस चीज़ को समझ पाते हैं और रिफ्लेक्टिव में हम उसे अप्लाई कर पाते हैं। देखो देखो, मम्मी कहती भैया उनकी मम्मी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में, CAI के बारे में। तो इसमें मीनिंग और डेफिनेशन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इज़ अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक, यह एक स्वयं अधिगम करने की टेक्निक है, यूजुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन, इन्वॉल्विंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसमें जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से क्रिया होती है, और इंटरेक्शन होता है प्रोग्राम इंटरेक्शन मटेरियल के थ्रू। CAI इज़ एन इंटरेक्शन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वेयर बाई अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। इसमें एक कंप्यूटर होता है जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, और उसको मॉनिटर करता है उसकी लर्निंग को जो हो रही होती है उस टाइम। CAI यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड का, वीडियो का, जो इन्हेंस करता है हमारे लर्निंग प्रोसेस को। द कंप्यूटर हैज़ मैनी पर्पजेज इन द क्लासरूम एंड इट कैन बी यूटिलाइज टू हेल्प आर स्टूडेंट इन ऑल एरियाज ऑफ करिकुलम। यह स्टूडेंट्स को सारे ही एरियाज में हेल्प करता है करिकुलम के। CAI रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर एज अ टूल टू फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस। ये फैसिलिटेट करता है और इम्प्रूव करता है इंस्ट्रक्शंस को। अकॉर्डिंग टू भट्ट एंड शर्मा, एक डेफिनेशन है CAI की जो 1992 में दी गई थी। CAI इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ कंप्यूटर कंट्रोल डिस्प्ले, अ रिस्पॉन्स एंट्री डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग एजुकेशनल आउटकम्स। यह एक इंटरेक्शन होता है, परस्पर संबंध होता है स्टूडेंट में और एक कंप्यूटर में, जिसमें इसका मेन पर्पस जो होता है वो एजुकेशनल आउटकम्स को अचीव करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अडेप्टेबिलिटी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर इज इट्स अडेप्टेबिलिटी फॉर द डिस्टेंस लर्निंग। ये डिस्टेंस लर्निंग को अडेप्ट करता है, इंटरैक्टिव होता है। CAI प्रोवाइड्स रेगुलर एंड टाइमली इंटरैक्शन। इसमें जो है इंटरैक्शन, परस्पर संबंध जो है टाइमली और रेगुलर बेसिस पे बने होते हैं, सेल्फ पेस्ड होता है। दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल्स द लर्नर टू मूव एज स्लोली एंड क्विकली एज दे लाइक। इसमें स्लोली आप चाहें तो स्लोली इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्विकली चाहें तो क्विकली कर सकते हैं। तो सेल्फ पेस्ड होता है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है। यूज़ ऑफ वेरियस सेंस में इसका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेंसेस में। देन सम बेसिक अजम्पशंस हैं,
इंस्ट्रक्शन फॉर आ नंबर ऑफ लर्नर एट आ टाइम, एक ही टाइम पे ये नंबर ऑफ लर्नर्स के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस, इसमें जो है लर्नर की परफॉर्मेंस जो होती है वो रिकॉर्ड होती रहती है। वैरायटी इन द यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, इसमें कोई एक ही मेथड और टेक्निक नहीं यूज़ किए जाते हैं, उनमें वेरिएशन पाए जाते हैं और बहुत तरह की जो है मेथड्स और टेक्निक्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं। कॉपिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कॉपी भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के कुछ उद्देश्य होते हैं तो लर्निंग रेट, इसमें रेट ऑफ लर्निंग जो है वो इंक्रीज होता रहता है, उसका परसेंटेज बढ़ता रहता है। देन है रिटेंशन ऑफ लर्निंग, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स स्टूडेंट स्कोर्स एंड इनिशियल टेस्ट एंड डिलेड टेस्ट इंडिकेट दैट स्टूडेंट इंस्ट्रक्टेड यूजिंग CAI रिटेन मोर कंटेंट देन इफ दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन ओनली। देन है एटीट्यूड, फोकस ऑफ द कंट्रोल अटेंडेंस, फोकस ऑफ द कंट्रोल का मतलब है स्टूडेंट इंस्ट्रक्टेड यूजिंग CAI स्ट्रेटजीज हैव मोर एन इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ सफिशियंसी उनके अंदर आ जाती है और एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की अपनी लर्निंग को। अटेंडेंस, स्टूडेंट हैड बेटर अटेंडेंस व्हेन इंस्ट्रक्टेड यूजिंग CAI स्ट्रेटजीज, इसमें जो है अटेंडेंस इंक्रीज करती है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन आता है स्टूडेंट्स के बीच में। टाइप्स एंड और मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ CAI, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू इसको इन्हांस किया जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू रिपीटेडली प्रैक्टिस एंड स्किल, मतलब इसमें बच्चे बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं। ट्यूटोरियल होता है, गेम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जिसमें बच्चे हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। सिमुलेशन किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रियलिटी, रियलिटी की एक अप्रॉक्सीमेशन रेंज बताई जाती है। डिस्कवरी अप्रोच प्रोवाइड अ लार्ज डेटा बेस ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक स्पेसिफिक टू आर कोर्स एंड कंटेंट, इसमें जो है डिस्कवरी जो है वो स्पेसिफिक कोर्स और कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चे को हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, स्किल बताई जाती है। इंक्वायरी मोड है, देन ऑथर मोड है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ CAI की कुछ एडवांटेजेस हैं, तो ये सेल्फ बेस्ड होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, लर्नर इसमें अपनी इच्छाओं के थ्रू अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकता है। इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द इंस्ट्रक्टर, इसमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि इसके थ्रू कोई भी गलतियाँ नहीं की जाती हैं। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट टू एबिलिटी लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट, CAI programs design in such a way that it helps both brilliant student as well as slow students, मतलब ये जो होता है वो दोनों ही students के लिए beneficial होता है, चाहे वो brilliant हो चाहे वो slow learner हो। continuous interaction, इसमें जो है continuous basis पे interaction दोनों के बीच में बना रहता है। flexible timing scheduling होता है, बच्चों के according इसमें time schedule किया जाता है और उसमें flexibility होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ CAI, तो कंप्यूटर फेल्स टू अप्रिशिएट द इमोशंस ऑफ स्टूडेंट, जो कंप्यूटर होता है वो स्टूडेंट्स के इमोशन को नहीं कंट्रोल कर सकता, इसलिए ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है। CAI प्रोग्राम डू नॉट इन देमसेल्व्स सॉल्व साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शैक्षिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता है। CAI फेल्स टू डेवलप एसेंशियल फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज कंपिटेंसी, लैंग्वेज कंपिटेंसी में जो फीचर्स होते हैं उन्हें डेवलप नहीं कर पाता है। CAI कैन नॉट अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक एंडेवर, स्टूडेंट्स के आर्टिस्टिक एंडेवर को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। देन है ई लर्निंग से भी क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग के,
आइए पढ़ते हैं इसे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ई लर्निंग। द टर्म ई लर्निंग इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ मोर जेनरिक टर्म एंड एज अ सिनोनियम फॉर द ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव लर्निंग इन विच द लर्निंग कंटेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन, प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक फीडबैक टू द स्टूडेंट्स लर्निंग एक्टिविटीज। ई लर्निंग वह प्रोसेस होता है जो लर्निंग होती है इसमें वह ऑनलाइन बेसिस पे होती है, सारा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड होता है और इसमें ऑटोमेटिक फीडबैक का ऑप्शन होता है। जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उनका रिकॉर्ड किया जाता है और उनका फीडबैक दिया जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन विच रियल पीपल मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड, बट द फोकस ऑफ ई लर्निंग इज यूजुअली मोर ऑन द लर्निंग और कंटेंट देन ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन लर्नर एंड ट्यूटर। द टर्म सच एज ई लर्निंग मे ऑल्सो एम लर्निंग हैव एंटर्ड द सीन मोर रिसेंटली। ई लर्निंग इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन पैकेजेस इन द फर्दर एजुकेशन विच इज अवेलेबल एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस। ई लर्निंग जो होती है वो हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं। इज डिलीवर्ड टू द लर्नर इलेक्ट्रॉनिकली। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्नर को प्रोवाइड की जा सकती जाती है। इसमें जो टीचिंग होती है और जो इंफॉर्मेशन होती है वह लर्नर को किसी भी टाइम किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। देन है डेफिनेशन सम। मार्क्यो के अनुसार ई लर्निंग इज डिस्टेंस लर्निंग थ्रू रिमोट रिसोर्सेज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। ई लर्निंग पोर्टल के अनुसार है, ई लर्निंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देन है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको एम्पावर किया जाता है। कंप्यूटर इन्हांस्ड लर्निंग होती है इसमें, टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग मतलब कि TEL को इन्हांस करता है ये। ऑनलाइन लर्निंग होती है इसमें, मोर देन CBL कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग एंड CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के कुछ मोड्स हैं, कुछ स्टाइल्स होती हैं, इसका भी क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो वो 3 टाइप्स की हैं, सपोर्ट लर्निंग, देन है कंप्लीट ई लर्निंग, फिर है ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये मोड्स होते हैं ई लर्निंग के। सपोर्ट लर्निंग में आता है, ई लर्निंग कैन प्लेस मोर सपोर्टिंग रोल टू द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लास एज अ, या मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। एज अ रिजल्ट अ टीचर में मेक इट्स यूज़ फॉर हिज बेटर टीचिंग, मतलब टीचर इसका यूज़ कर सकता है अपनी टीचिंग शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए। अ लर्नर फॉर हिज नीडेड लर्निंग, मतलब लर्नर के लिए जो आवश्यक हो अधिकम उसके लिए भी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल, दे मे यूज़ मल्टीमीडिया इंटरनेट वेब सर्विसेज, मतलब मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकता है, इंटरनेट का यूज़ कर सकता है, वेब सर्विसेज का यूज़ कर सकता है। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो टर्म है वो हाइब्रिड लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहे जाते हैं, वेब इन्हांस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग इज समटाइम्स यूज्ड इन द सेम ब्रेथ एज द पर्सनलाइज्ड लर्निंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसको मतलब कभी कभी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग इज ऑफ्टन ऑल्सो रिफर्ड एज द हाइब्रिड लर्निंग। इसको हाइब्रिड लर्निंग की तरह यूज़ किया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन फेस टू फेस ट्रेडिशनल लर्निंग। ये कॉम्बिनेशन होता है फेस टू फेस लर्निंग का और ऑनलाइन लर्निंग का, इसमें दोनों का ही मिक्सचर पाया जाता है। एक में
ये कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है अदर्स को, क्योंकि इसमें दोनों ही मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है. इट प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. मतलब ये इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ब्लेंडेड लर्निंग कि वह दोनों का ही दोनों के बारे में ही सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. ब्लेंडेड लर्निंग इसमें जैसे इंक्वायरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होता है, ग्लोबल कनेक्शंस होते हैं, गेम बेस्ड लर्निंग होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, पीयर टू पीयर कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, फोकस ऑन मास्टरी पे फोकस किया जाता है, एंड वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ये आइडेंटिफाई करता है वेज को कि फेस टू फेस लर्निंग कैसे हो सकती है ई लर्निंग टूल्स के लिए, और फिर प्रोवाइड करता है लिंक टूल्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ब्लेंडेड लर्निंग, टू प्रोवाइड एग्जांपल्स वेयर ब्लेंडेड लर्निंग हैज़ बीन सक्सेसफुल. जहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग सक्सेसफुल हो पाए ऐसे एग्जांपल्स को प्रोवाइड करता है, टू कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूजिंग ब्लेंडेड लर्निंग इन द क्लासरूम. देन है मॉडल्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग के कुछ मॉडल्स हैं तो फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल, ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को जो स्ट्रगलिंग है या वर्किंग है देयर ग्रेड्स लेवल टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस. मतलब इसमें बच्चे जो हैं वो अपने स्ट्रगल और अपने वर्किंग के बेस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं और एक अपनी इमेज बना सकते हैं. देन है रोटेशन मॉडल, इसमें एक साइकिल चलता रहता है. शेड्यूल ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑनलाइन स्टडी एंड फेस टू फेस क्लासरूम टाइम. देन है फ्लेक्स मॉडल, फिर ऑनलाइन लैब मॉडल, ये ऑनलाइन बेसिस पे होता है और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं और इसमें फिजिकल लोकेशन भी इंक्लूड की जाती है. फिर है सेल्फ ब्लेंड मॉडल, उसके बाद है ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल. इसमें इंटायर कोर्स को कवर किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, पर विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ टीचर किचन्स. एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं तो ब्लेंडेड इंस्ट्रक्शन इज़ मोर इफेक्टिव देन द प्योरली फेस टू फेस एंड प्योरली ऑनलाइन क्लासेस. ब्लेंडेड लर्निंग मेथड्स रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ द एजुकेशन अचीवमेंट देता है, ये रिड्यूस करता है एजुकेशनल एक्सपेंसेस को, ये लोअर कॉस्ट ऑफ पुटिंग द क्लासरूम इन द ऑनलाइन पेस. देन है एजुकेशनल एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग. ई लर्निंग के कुछ एजुकेशनल एडवांटेजेस हैं, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. लर्निंग एक्सपीरियंसेस की जो क्वालिटी होती है उसे ही इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है. इम्प्रूव रिमूव बैरियर्स टू अचीवमेंट. अचीवमेंट लेवल में ये जो बैरियर्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उन्हें यह दूर करता है. ऑफर डिफरेंशिएटेड लर्निंग को ऑफर करता है. ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर द टीचर्स एंड लर्नर्स. टीचर शिक्षक और शिक्षक के लिए जो है लर्नर्स के लिए या एक वाइड रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है. क्रिएट्स ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज स्थापित करता है ये. एक्सेस टू हायर एजुकेशन के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड्स वर्चुअल लर्निंग को भी प्रोवाइड करता है, उसे इन्हांस करता है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, इसमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता है. लर्निंग अप्रोच जो है वो अपील करती है, इसमें लर्निंग स्टाइल्स जो होती हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया जाता है. टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, कंप्यूटर कंपिटेंसी, कभी कभी कंप्यूटर्स लैक करने लगते हैं, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं. ये थी आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की पूरी ही समरी यूनिट फर्स्ट की. थैंक यू.